हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अभी शाम का समय है और मैं अभी खेत तरफ थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। हमारा खेत का धान कितना कितना फसल हुआ है, कितना बढ़ा है, एक बार देख के आते हैं। अभी शाम का 6:30 बज चुका है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, अब जाते हैं। अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ और ये देखिए शाम का समय है, काफ़ी अच्छा मौसम किया है। आगे आपको दिखाते हैं। अभी पहुंच चुका हूं दोस्तों, अब जा रहे हैं आगे। ये देखिए खेत किनारे हमारा बड़ा सा पीपल का झाड़ है, आप देखते हैं कि कितना धान बढ़ गया है। क्योंकि इस बार जो है रोपा हम लोग नहीं रखे हैं, इस बार सब लेवा और बुना जो बोलते हैं दोस्तों वो किए हुए हैं खेत में। अब देखते हैं कि घास है कि नहीं है खेत में। अगर घास होगा तो दोस्तों घास तो निकलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि घास रहेगा तो फसल अच्छा से नहीं हो पाएगा। उसी को मैं एक बार आज अभी घर में था, देखते हैं। अभी ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो छोटा खेत है इसको अभी अभी लेवा किए हुए हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे। शाम का समय है, बहुत ही अच्छा मौसम है। ये देखिए इतना क्लियर तो नहीं हो पा रहा है वीडियो दोस्तों, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। ये देखिए ये वाला जो खेत है इसमें दोस्तों ये लेवा किए हुए हैं। अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग कि धान कितना कितना बढ़ चुका है। से नहीं दिख रहा है, क्योंकि घास मरने वाला दवा भी मारे हुए थे, इसीलिए घास तो नहीं दिख रहा है। इधर थोड़ा सा पतला धान हुआ, उधर घना है। इधर थोड़ा सा पतला है। देखिए दोस्तों मौसम भी काफी क्लाउडी किया हुआ है, घना बादल छाए हुए हैं। इधर ये देखिए, ये है वह सिरिमकेला गांव, पीछे साइड से स्टेप से। अभी तो दोस्तों घर और नहीं दिख रहा है, क्योंकि पीछे तरफ से मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये देखिए जहां जहां खाद एकत्रित किए थे दोस्तों वहां वहां ज्यादा धान है, और जहाँ खाद नहीं था वहाँ पे थोड़ा सा कम धान दिख रहा है। क्योंकि जहाँ पे खाद का मात्रा कम हो जाता है दोस्तों वहाँ पे धान का उपजाऊ भी थोड़ा सा कम हो जाता है। इधर ही देखिए हमारे खेत के बगल वाला खेत का ये रोपा लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये धान जो है अभी इसको डाले हुए हैं इसमें। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद में ही इसको फिर कीचड़ कीचड़ करके दोस्तों इसको फिर लगाएंगे। घास तो नहीं हुआ है दोस्तों उतना ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर इसमें एक बार हल बैल से जुताई करेंगे। तो जहाँ जहाँ घना धान है वो वाला धान इधर उधर फैलेगा तो दोस्तों धान जो है बराबर होगा।
समय काफ़ी हो गया है दोस्तों, अब घर जाता हूँ मैं, क्योंकि अंधेरा होने को चला है। सूर्यास्त तो तभी हो गया, अब वीडियो भी क्लियर नहीं आ पा रहा है। दोस्तों अभी काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था कुछ काम के वजह से, क्योंकि खेतीबाड़ी थोड़ा सा कर रहे थे। तो दोस्तों क्या है, ब्लॉग नहीं बन पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपको। बाकी ये देखिए धान हमारा सामने से, घास तो नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं। इसको और एक बार जुताई कर देने से क्या है, इसका सब तरफ से फैलेगा तो बराबर हो जाएगा धान। जाते हैं दोस्तों घर। फाइनली दोस्तों अभी मैं घर पहुंच चुका हूं। और दोस्तों आप सभी लोगों को किस टाइप कैसे लगा वीडियो, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। और दोस्तों बेल आइकन का घंटी को प्रेस कर देंगे ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन